ਨਿਆਨ ਇੱਥੇ मम्मी जी तुसी आंचना थोड़ी देरी कर दिती। पापा जी तो चले गए। ठीक है तू राजवीर चले गए। राजवीर सानू सारा इस दुनिया से कल्ले छोड़ के चले गए। शुभ शुभ बोलो मम्मी जी तुसी की कह रहे हो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं सी। मैं तो ये कहना चाह रही सी के पापा जी हूं ठीक ने ते छेती हूं कनेडा भी पहुंच जाएंगे। कनाडा? हां जी सात समुंदर पार। ये सब पक्का एदा ही कीता कराया है। पर ये इतना बड़ा फैसला कितना ले सकती है? केड़ी खेड खेड रही है तू? तू किनू पूछ के मेरे हस्बैंड नु अलकावे नाल कनाडा भेज दिता? आखिर तेरे दिमाग से चल की रहे? दीदी जी जो पूछ रहे ना ओदा सही सही जवाब दे, नहीं तो मैं नहीं तो की कर लोगे मामा जी? मेनू जानो मार दोगे? नहीं मार सकते तुसी। तो नाले मेनू इन्ना भी पता है कि तुसी अपनी दीदी जी नु बहुत प्यार करते हो। उन्होंने परेशानी च नहीं वेख सकते। पर फिलहाल दे लई तुसी शांत रहो, नहीं तो इस हस्पताल दे विच खाली बेड की कमी नहीं। तू ज्यादा जुबान ना लड़ा। तू मैनू ये दस एदां दा की हो गया कि तू अचानक राजवीर नू अलका नाल कनाडा भेज दिता? उन्हां दे बेहतर इलाज के लिए उन्हां नू एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत सी, इसलिए उन्हां दे इलाज के लिए उन्हां नू कनाडा अलका भुआजे दे नाल भेज दिता गया। ते नाले इत्थे तां पापा जी दे दुश्मन भी बहुत ने। जो पापा जी ते कदे भी वार कर सकते ने, इसलिए जो खतरे नू पापा जी तो दूर नहीं किया जा सकता। पापा जी नू तो खतरे तो दूर किया ही जा सकता है, इसलिए हुण कैनेडा अपना चंगे तरीके दे नाल इलाज भी करा लेंगे। ऐ कुछ भी नहीं, बस एक छोटी जी चोट लग गई सी, हुण ठीक है। शमशेर जी तुहानू इत्थे बुलाने दे पिछे मेरा मकसद कुछ होर सी। दरअसल मैं तुहानू दसना चाहती सी कि पापा जी की जान को खतरा है। तेनू इदा क्यों लगता कि इदा तो कुछ होया? शमशेर जी होया तो नहीं, होने वाला जरूर, क्योंकि मैं होने वाली दुर्घटना के दृश्य में वेखिया कि मम्मी जी पापा जी के कोल जा रहे थे। जिवें जिवें वो पापा जी के वल वध रहे थे ना, उवें उवें पापा जी दी सांह और तेज होंदे जा रहे सी। नाले मैं दिवांश दी जिंदगी बर्बाद कर दियांगी, वो अपनी जिंदगी लई पल पल तरसेगा, ते तुसी रीटा दा ए ड्रामा उपर सरगां च बैठ के आराम नाल देख। इस प्रॉपर्टी नू हासिल करन लई अगर मैनू दिवांश की जान भी लेनी पई ना तो मैं ये काम भी करांगी। मैनू पूरा यकीन है कि मम्मी जी पापा जी नू मारन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं पापा जी नू इत्थे रखना सुरक्षित नहीं समझिया ते उन्हां नू अलका भुआजे दे नाल कनेडा विच भेज दिता ताकि पापा जी उत्थे सुरक्षित फिर ते अपना इलाज भी करा सकन। क्योंकि जे पापा जी इत्थे रह जांदे ना मम्मी जी ने उन्हां तक किसी ना किसी तरीके पहुंच ही जाना सी, इसलिए मैं उन्हां नू इत्थों बाहर भेजना ही सही समझिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि रीटा वर्गी औरत इदां दा कुछ भी सोच सकती है। शमशेर जी मैनू तुहाडा साथ चाहिए। जे तू ये चाहनी है कि सिर्फ तेरे वेखे दृश्य दे आधार ते मैं रीटा नू अरेस्ट कर लां, ये पॉसिबल नहीं है। कानून इन सब गल्लां ते यकीन नहीं करता, नाले हजे क्राइम होया नहीं है, अजे हो सकता है। तो सानू तो यह भी नहीं पता ये सब कदों कित्थे ते किवें होना है। मैं मानती हूँ शमशेर जी तुसी मम्मी जी नू अरेस्ट नहीं कर सकते, पर तुसी इन्ना तो कर सकते हो
कि मम्मी जी कदों केड़े टाइम किथे जांदे ने, किदे नाल जांदे ने, किदे कोल जांदे ने, की कर रहे ने, की सोच रहे ने, से सब तो नजर रख सकते हो। जी कल तक शायद तेनों में डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो उदो तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। मैं रिपोर्ट लेके आप घर आऊंगा। एक गल दस, रीता जी तो अलावा तेनों किसी होर ते भी शक है? हे हे दीदी जी दे अलावा किते मेरा ना आई ना लै दे। कोई है कोई तो सी जो साड़ियां गल्लां सुन रहा सी, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं देखती, मैं भी नाल चलती। इतने तो कोई नजर नहीं आ रहा, हमें तो कोई इतने सी। शमशेर जी तुसी इदा करो, तुसी इधर देखो ते मैं उधर जाके देखती हूँ। भरोसा नहीं करोगे। ਨੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਰਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, मैं मजबूर हाँ। मैं जानता हाँ नयन कि थोड़े को कुछ पावर्स ने, पर फिर भी मैं थोड़ी हेल्थ ना रिस्क नहीं ले सकता। तुसी मेरी परमिशन तो बिना किते नहीं जाओगे। सिस्टर इन्हां ने कुछ खादा है? नो डॉक्टर। ते सब तो पहले इन्हां कुछ खान ली दो, उस तो बाद इन्हां दवाई देना। ओके डॉक्टर। मैं उस नर्स नु फोन करदा। ओहो उन्हें सिम कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा।
मीना रुको, एक खाना केड़े पेशेंट ले लेके जा रहे हो? वो वार्ड नंबर 11 च नयन मैडम है ना, उना वास्ते। वार्ड नंबर 13 से तेरा ही पेशेंट है ना? उदा मेडिसिन दा टाइम हो गया है। एक काम कर, ए ट्रे मेनू फड़ा दे ते तू उनु पहले दवाई दे दे, मैं तेरा इत्थे वेट कर दूंगा। ओ यार, ए नर्स फोन क्यों नहीं चुक रही? इतनी बारी ट्राई कर चुका वा, ये फोन ही नहीं चुक रही, किथे मर गई है? चल फातिमा, कर अपना काम। ले आफड़ा। मैं भी तोड़े ले खान। जी नैनू, मेरे प्लान बारे पता चल गया ता फिर वो की करेगी? मेनू लगता है कि मेनू इथों फटाफट निकल जाना चाहिए ते मेनू घर जाके ना अपना नवा नाटक शुरू करना चाहिए। वैसे भी मेनू उस नर्स नू पैसे दिंदिया होया किसी ने नहीं देखा, ते जेड़े पैसे मैं उस नर्स नू दिते सी ना वो मेरे नहीं सी, इस करके मेरा फसन दा ता कोई चांस नहीं है। इस नर्स ने अपना काम कर दिता ना, ता फिर उस नयन दी स्वर्ग दी टिकट ता पक्की है। ये लो तुसी कुछ खा लो। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जे भूख नहीं भी है ता भी तुसी कुछ खा लो, क्योंकि तुसी मेडिसिन लेनी है। मेनू भूख नहीं है, मेनू जदों भूख लगेगी मैं खा लांगी, इनू साइड ते रख दो। चलो ना खाओ, पर घटो घट दूध ता पी लो, ओदे नाल तुहानू थोड़ी ताकत मिलेगी। मैं तुहानू कह रही हां ना, मेरा सच्ची दिल नहीं कर रहा। देखो तुसी जिद ना करो, तुहाडे शरीर च पहले ही बहुत कमजोरी है, तुसी ऑपरेशन तो बाद भी कुछ नहीं खादा, तुहानू घटो घट दूध ता पीना ही पएगा। ए लो। ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦਾ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇਗਾ। देखो मैं तो नहीं पीना, मेनू बार बार फोर्स ना करो प्लीज। ठीक है, हुण मैं होर की कहां। तुसी इत्थे रखो, एना नहीं खाई। तवांचे तुसी आंच नहीं तेर क्यों ला देते, पता नहीं कितना डर गई सी। मेरे हुंदियां तैनूं डरन दी की लोड़ है, मैं हमेशा तेरे कोल ही रहांगा। मैं क्या सी ना, हुण मैं तेरी रक्षा करांगा। मैडम ने कहा सी जो तक तुसी नहीं आ जांदे वो खाना नहीं खाणगे, हुण तुसी अपनी वाइफ नू खाना खिलाओ। चल हुण अच्छे बच्चियां वांग ऐ खाना फिनिश कर। दिवांश जी मेरा झूठा खाना खाणगे? अच्छा घट्टो घट दूध ही पी ले, नहीं खाना। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ।
ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੈਣ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? गिलास तुसी तोड़िया क्यों है? सिमर, क्लीनर नु बुला के लियाओ, साफ करवाओ। मैं थानू कदे कुछ नहीं हों दवांगी, हमेशा थोड़ी रक्षा करांगी, किसी नु थानू कदे नुकसान नहीं पहुंचा दवांगी। जब तक मैं आना तुसी सुरक्षित हो, थानू कुछ नहीं हो सकता। नयन रिलैक्स, मैं ठीक हाँ। नहीं नयन, स्टॉप इट। कुछ नहीं होया मैनू, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, होश जा। नले आया दस, तू दूध का गिलास इदा क्यों तोड़िया? दूध का गिलास देवांश जी, इस दूध के गिलास से फिर स्नैक्स। इस नयन नु जहर बारे किदा पता लग गया? मैडम, जेड़ा काम क्या सी हो गया? लगदा कोई चंगी खबर है, किते नयन मरता नहीं गई। तोड़ा काम? तोड़े काम दे चक्कर से मेरी नौकरी चल जाएगी। मैनू नहीं करना कोई काम कुम तोड़ा। आके अपने पैसे ले जो, मैनू नहीं चाहिए तोड़े पैसे। पर दास्ता सी होया की है? शमशेर सिंह नू गल जरूर दसेगी, शमशेर सिंह ओह पुलिस लेके इत्थे जरूर आंदा होएगा। नहीं नहीं, मैं कल सवेरे ये शहर ते ये शहर छड़ के नट जाना इत्थों, क्योंकि हुण मेरे कोल कोई होर रस्ता नहीं बचिया। नहीं, मैनू भजना ही पैणा। ओ नहीं भजना ना कोल। ओ मामा जी रिलैक्स, उही तां मैं कह रहा, ओदे कोलों दूर भजन की बजाय सानू ओदा सामना करना चाहीदा। हुण सिंह तां फसी गए ने, सानू ओदे कोलों दूर भजन की बजाय ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। मेरे हुंदिया मैं तेनू कदे कुछ नहीं हुंदिया। इत्थे तां एदा पैरा लगा के बैठे हुए ने जिवें अंदर कोई रिपोर्ट नहीं, कोई नूर दा हीरा होवे। लगता है कोई दूजा रास्ता लभना पैना। काम तो रिस्की है विक्की, पर जे आज रिस्क ना लेता ना सारी जिंदगी जेल च कटनी पैनी है। कोई नहीं,
अज आर नहीं तो पार। तू मेरे लिए मेरे परिवार लिए जो कुछ भी किया ना उसके लिए मैं सारी जिंदगी तेरा शुक्र गुजार रहा। जो इंसान भी मैनू मारना चाहता है ना वही थोड़ा सब तो बड़ा दुश्मन है। मैं जानता ना कोई तेनू रस्ते चो हटा के मेरे तक पहुंचना चाहता। जी दिवांश जी हजे मैनू उन्हों का नाम तो नहीं पता पर बहुत छेती सब ते परते फाश हो जाएंगे गुनाहगार साढ़े सामने होएगा। बस तुसी मेरे ते भरोसा रखो। की भूत पंगड़ा हूं इतो आगे कितने जावा उधर जावा एक बार इधर वेखदा बस आज कोई वेख ना ले नहीं तो सीधा जेल जाना पैना। एक ही है रिपोर्ट फाइलों से कुछ पता भी नहीं लग रहा पता नहीं इन्होंने लोगों ने कितने लुकोई है किस 23 इत देखता देखा मैं क्या सी ना आवाज आई है कोई भी होगा साहब जी पर भज नहीं सकता। मेरा मतलब है कि मम्मी जी नु लबन सूटकेस लेके इसलिए जा रहे सी ताकि मम्मी जी ने जे मना कर दिता आन तो ते ए उन्हां नु सूटकेस च पाके ले आनगे है ना मामा जी। पॉम्पी वैसे तू तो सूटकेस लेके रीटा भजाई नु लबन ता नहीं जा रहा सी सच दस कि तू किथे जा रहा सी नाले मैनू एदा लग रहा है कि जिम्मे तेन पहला तो ही पता है कि रीटा भरजाई किथे ने ताही तो समान लेके उन्होंने कोल जा रहे हैं। इतने मेरे दीदी जी ने लभ रहे ते तुहानू मजाक सोच रहा ते तुसी मेरे ते शक कर रहे हो हुण मैं एक मिनट भी इस घर विच नहीं रुकना। रुक जा पंपी कोई किते नहीं जाएगा ये मामला उन समझदारी ना सॉल्व करना पड़ेगा एवं रीटा का पता नहीं चलेगा। मैं तेनू इदा कले नहीं जान दिया की? हाँ जैसमिन मैनू पता है मैं उतों किदा जान बचा के भजिया मैं जिदे ही उत्थे पहुंचा लग रहा है फिर सीधा जेल जावांगे नहीं मैं जेल नहीं जाना चाहती जे मैं जेल चली गई तो
सब खत्म हो जाएगा। सॉरी जैस्मिन, मैं तो पूरी कोशिश कितनी सी बहुत सॉरी की करा मैं सॉरी था तो हनु एक काम क्या सी ते तुसी ओ भी नहीं कर पाए कि तो हनु खुशी होएगी जब पुलिस मेरे हाथ च हथकड़ियां लगा के लेके जाएगी। कितना दे भरा हो तुसी, मैं तो हड्डे तो मदद मंगी सी, सॉरी नहीं। जैस्मिन कितने पुलिस तो नहीं इतने आ गई? मतलब शमशेर थोड़ा छेती चलाओ ना, मेरा शमशेर जी नू छेती मिलना बहुत जरूरी है। नैन हमेशा तेरी जिद नहीं चलेगी, तेनू समझना चाहिए। तेरा रिसेंटली ऑपरेशन होया, होर किन्नी तेज चला ला, इन्ने सारे स्पीड ब्रेकर्स ने, जे कोई झटका आ गया फिर। वैसे भी पुलिस अपना काम करना जानती है, वो मम्मा ने लाभ लेंगे, तेनू टेंशन लेने की लोड़ नहीं। देवांश जी गल समझने की कोशिश करो, जे सानू इत्थे देर होगी फिर घर जांदे नू सानू बहुत देर हो जानी है। नैन की बचपना है? ये कोई बचपना नहीं है, तुसी गल क्यों नहीं मेरी समझ रहे? मैं कह रही हूँ जी आज देर होगी ना फिर बहुत देर हो जानी है देवांश जी। ठीक है नैन, ठीक है असी पहुंच जाएंगे टाइम ना। पंपी जी ये दसो, कल रात तुसी रीटा जी दे नाल हॉस्पिटल गए सी ना, तो फिर वापस कल्ले क्यों आए? रीटा जी नूं नाल क्यों नहीं लेके आए? इंस्पेक्टर साहब ये गल सही है कि कल हॉस्पिटल मैं ते दीदी जी गए कट्ठे सी, पर उत्थे जाके अचानक दीदी जी दिवांश दे नाल गल करन वास्ते बाहर चले गए, ते जदों उन्हां नूं पता चलिया ना कि दिवांश ने घरदियां नूं दस्से बिना जीजा जी नूं विदेश भेज दिता, तां उन्हां नूं बहुत बुरा लग्या, ते ओह गुस्से दे विच टैक्सी फड़ के पता नहीं कित्थे चले गए। मैं ते उन्हां दी टैक्सी दे पिछे भी भज्जिया, फिर उन्हां ने मेरी एक नहीं सुनी, मैनूं लगा कि ओह घर ही गए होणगे, पर जो आके इतने देखा तो आए ही नहीं। बैग लेके कि जा रहे थे लभन? इंस्पेक्टर साहब मैं पक्का कह रहा, वो ना उन्हें किसी पक्का अपनी सहेली के घर ही गए होंगे, इस करके मैं उन्होंने सहेलियों के घर उन्होंने लभन जा रहा सी। तुसी फिक्र ना करो, मेरे दीदी जी पक्का किसी अपने के घर ही गए होंगे। थोड़ा छेती चलो ना देवांश जी। हाँ नैन चला तो रहा हूँ, गड्डी उड़ा थोड़ी लांगा, नाले बार बार इको गल करन दा की फायदा। प्लीज आराम ना बैठ। थानू लगता है त्रिशान तो बाद भी आराम नाल बैठ सकती है? नैन जे मम्मा कैनेडा चले भी गए ने तदे इस घबराने वाली केड़ी गल है, डैड उन्हां दे हसबेंड ने, जिदा तू मैनू लैके चिंता च रहनी है उदा ही मम्मा भी डैड नू लैके कंसर्न ने। दिवांश जी मैं थानू किवें दसां कि मम्मी जी पापा जी नूं जानू मारना चाहते ने, ते सब मैं मम्मी जी नूं पापा जी तो दूर रखन लई ही कर रही हां। देवांश जी तुसी बस मैनूं छेती घर पहुंचा दो, बाकी गल्लां मैं शमशेर जी दे नाल करांगी। नहीं ऐसी केड़ी गल है जिहड़ी तू मैनूं नहीं दस सकदी? देवांश जी हौली हौली समां ते अपने आप चीजां तुहाडे अगे आईआं ने। ओहो हुण पुछ भी लै, पता नहीं होर किन्ना सस्पेंस पाएगी। इत्थे मेरी हालत खराब हो रही है ते कुछ दसदी नहीं रही, किते कल वाली गल तां नहीं करन वाली? नैन पुत्र तू क्या तेनू रीटा बारे पता है? पर तेनू रीटा बारे कितना पता है? की तू ओहदे बारे कोई दृश्य तां नहीं देखिया? तारची मैं वेख्या सी कि मम्मी जी बदलां ते हवावां दे विच ने, दीदी जी हवाई जहाज विच बैठे हुए ने, फिर तो इन यह भी पक्का पता लग गया होना कि मैं दी जान लैन ने की किता। शमशेर जी हुण तो कोई फिक्र करने वाली गल नहीं है। दास जी हुण तो पता लग ही गया
कि मम्मी जी किथे ने, फिर क्यों ना असीं सारे आराम नाल बैठ के टीवी देखदे आ। किट्टी जी तुसीं की कह रहे हो? ओही तां किट्टी, हुण तक परजाई जी दा पता नहीं चलिया ते तू इन्नी रिलैक्स किद्दां हो सकदी है? हुण पता तां लग ही गया है कि मम्मी जी कल्ले हॉलीडे ते चल गए ने, और वैसे भी मैं उन्हां नाल बहुत नाराज हाँ। वो आप तां कल्ले चले गए और सानू किसे नू भी दसना जरूरी नहीं समझिया। हुण मैं उन्हां नाल कदे गल नहीं करांगी। पता नहीं तेरा ये बचपना कदों जाएगा। किट्टी तू पागल है, परजाई जी घूमन नहीं गए? डैड दे पिछे कैनेडा गए ने, ऐ सिर्फ मेरा अंदाजा ही है, क्योंकि इस वेले ओ किते होर नहीं जा सकदे। होर की देखिया तू, दसी जरा। यही दसन दे लई तां मैं शमशेर जी नू मिलना चाहती सी। शमशेर जी, कल मैनू किसी ने मारन दी कोशिश की थी। की? तू की कह रही है नैन? यही सच है शमशेर जी, कल किसी ने मैनू जहर दे के मारन दी कोशिश की थी। मामा जी, थानू की लगता है कौन हो सकता है जिन्हें मेरे खाने दे विच जहर पाया? कौन हो सकता है जो मैनू मारन दी साजिश रच रहे है? नैन, मामा जी तो ऐसा सवाल क्यों कर रही है? बोलो मामा जी, कौन हो सकता है जो मिन्नू जानू मारना चाहता है? दसो मामा जी, किन्ने मचाया है जहर दा कहर? चुप कर किट्टी, तेरे दिमाग हैगा कि नहीं हैगा? तू कौन होनी मैनू सवाल करने वाली? मामा जी, एक ही तरीका गल करन दा, जो पूछे गया उहदा जवाब दो ना। मैनू की पता दिमाग, मैं तो कल राती घर सी, तुसीं सारयां ने मैनू देखिया, फिर मैनू किदां पता होएगा कि कल राती दुध विच जहर किन्ने पाया? मामा जी, जे तुसीं कल रात नूं घर सी फिर तुहानूं इह किदां पता लग्गिया कि जहर मेरे दुध विच पाया गया सी? ओ भी रात नूं। क्योंकि मैं तां रात दा जिक्र ही नहीं कीता। ते ना ही मैं किसी नूं इह दस्सिया कि जहर मेरे दुध दे विच पाया गया सी। फिर थानू इन्हां गल्लां दा किवें पता? बोलो मामा जी, तुसीं चुप क्यों? तुहानूं किद्दां पता लग्या है? क्योंकि यह गल सिर्फ मैं ते नैन जानदे सी। पांजी, तू हुण अपनी वोटी दी गल्लां जाके मेरे ते शक करेगा? मैं भी दुनिया वेखी है, इन्ना क हिसाब ते मैं भी ला सकदा। नाले कल मैं दीदी जी नाल हॉस्पिटल सी, तुहानूं सारयां नूं पता है, ते उस तों बाद मैं घर वापिस आ गया, ते उस तों बाद उत्थे की होया ते की नहीं मैनूं की पता? नाले उत्थे जो कुछ होया मेरे आने तों बाद होया है। नैन, तू मैनूं इह दस, सिर्फ तेरे दुध विच जहर सी या हस्पताल विच कोई होर भी बीमार पिया दुध पी के? जो कि सारे ने जैस्मिन उस बोतल दे नाल वेखे, जैस्मिन इस गल तो मुकर नहीं सकती कि वो बोतल लेदी नहीं सी। हाँ जी शमशेर जी, उस दिन जो बोतल मैं थोनू दित्ती सी वो जैस्मिन दी सी। पर नैन भाभी ने मैनूं दसन लई इसीलिए मना किया सी क्योंकि तुसीं जैस्मिन ते बहुत भरोसा करदे हो। आखिर इस बोतल च है की जिहदा इन्ना रौला पिया है? जैस्मिन दी बोतल नैन ने लैब टेस्ट लई क्यों दित्ती? वैसे भी मैं इत्थे तुहानूं किसी होर चीज बारे इनफॉर्म करन आया सी। सहदेव जी, की किस चीज के बारे? सब ठीक तो है ना? तुसी रिपोर्टर का सही तरह ना ध्यान रखा तो है ना? भाभी, इदा हो सकता तुसी मैनू कोई काम कहो ते वो काम नू मैं ऑनेस्टली ना करा?
कल एक बंदा ब्लैक हुडी पा के जिदे ते स्कल्स ते विंग्स बने हुए सी वो रिपोर्ट चोरी करना आया सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੈਸਮਿਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਰੀਟਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ?